आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि NTPC का टॉप 5 जोन कौन सा है। तो चलिए इसको हम एनालिसिस करते हैं कौन सा 5 सेफ जोन है, जिससे कि यदि आप लोग फॉर्म भरे हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यह 5 जोन ऐसा है जिसमें कि बहुत ही कम कट ऑफ जाने वाला है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें 5 जोन पहला दिखाया गया है, स्क्रीन पर दिख रहा हुआ सिलीगुड़ी, दूसरा में आता है जमुई, फिर मालदा, फिर मुजफ्फरपुर और फिर गुवाहाटी। यह 5 ऐसा जोन है जिसमें कि बहुत ही कम कट ऑफ जाएगा, और यह एनालिसिस आप लोगों को हम बता रहे हैं इसमें कि फॉर्म फिलअप के आधार पे, अटेंडेंस के आधार पे। जैसे कि आप देख सकते हैं गुवाहाटी में जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था वो हुआ था 2,48,356, और इसमें मात्र 50% स्टूडेंट ही एग्ज़ाम दे पाए, जो कि 50% अटेंडेंस रहा, मतलब कि इसमें 1,24,178 स्टूडेंट ही एग्ज़ाम दिए। और इसमें टोटल वैकेंसी यहाँ का है 851 वैकेंसी है, लेकिन इसका 20 गुना CBT 2 के लिए लिया जाएगा, जो कि 17,020 स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट होंगे। और पर सीट कम्पिटिशन जो है यहाँ पर सिर्फ 7.29, मतलब बोल सकते हैं कि अप्रोक्स 7 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट को यहाँ पे चुना जाएगा। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि दूसरा जोन आ गया मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है इसमें 85,830 फॉर्म फिलअप हुए हैं, और इसमें मात्र 50% अटेंडेंस यहाँ भी हुआ है, जो कि 42,915 स्टूडेंट यहाँ एग्जाम दिए। और इसमें टोटल जो सीट है मुजफ्फरपुर में 329 सीट है, जो कि इसमें 20 गुना स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए, जो कि लगभग हो गए 6,580 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कंपटीशन कितना कम है, मात्र 6.52 कंपटीशन, अप्रॉक्स 7 स्टूडेंट पर यहाँ भी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। फिर उसी तरह देख सकते हैं अगला जो आप लोग को दिख रहा होगा मालदा। मालदा में जो टोटल फॉर्म फिल हुआ है यहाँ पे 2,67,864 फॉर्म को फिलअप किया गया, इसमें भी 50% अटेंडेंस है, जो कि 1,33,932 स्टूडेंट ने एग्जाम दिए हैं। और यहाँ पे जो वैकेंसी है मालदा में देख सकते हैं एक अच्छा वैकेंसी है, यहाँ पे लगभग 1,043 वैकेंसी, और इसमें 20 गुना स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, जो कि हो जाएगा आप लोग का 20,860 स्टूडेंट। यहाँ पर सीट कंपटीशन जो है मात्र 6.42, देख सकते हैं कि ये सारे जोन में मात्र पर सीट अप्रोक्स 7 स्टूडेंट का कंपटीशन है। फिर जम्मू का आप लोग देखिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो फॉर्म फिलअप किया गया है 2,03,555 स्टूडेंट फॉर्म फिल किए हैं, और यहाँ पे भी अटेंडेंस 50% अप्रॉक्स है, जो कि 1,01,777 स्टूडेंट ही टोटल में से एग्जाम दे पाए हैं। और यहाँ पर जो है टोटल वैकेंसी 898 है, जिसमें कि 20 गुना लिया जाएगा, जो कि 17,960 हो जाएगा। और पर सीट कंपटीशन यहाँ भी 5.66 होने वाला, जो कि यहाँ भी और भी कम हो जाता है कि पर स्टूडेंट 6 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। लास्ट 5 सेफ जोन में देख सकते हैं कि सबसे कम यहाँ पे होगा सिलीगुड़ी में, जो कि टोटल फॉर्म फिल यहाँ पे हुआ 84,928, इसमें भी अटेंडेंस 50% हुआ, जो कि 42,467 स्टूडेंट ही एग्जाम दे पाए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसी जो है 443, और इसमें 20 गुना स्टूडेंट इसमें भी सिलेक्ट होंगे, जो कि 8,860 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। और पर सीट कंपटीशन यहाँ जो होने वाला है 4.79, जो कि सब जोन से सेफ जोन यहाँ पे है, और इतना कम कंपटीशन किसी भी जोन में नहीं है। 4.79 सोच सकते हैं कितना कम यहाँ पे कट ऑफ जाएगा। तो इस आधार पर आप इस 5 जोन का आप लोगों को बताएंगे कि कट ऑफ क्या होने वाला है। तो जैसा देख सकते हैं अगर इन 5 जोन में आप लोग ने फॉर्म फिल किए हैं, तो यहाँ का जो जनरल EBC OBC SC ST का जो कट ऑफ जाने वाला है वो अप्रोक्स जनरल का 55-60 जाएगा, EWS का 55-50 रह सकता है, OBC का 55-50, SC का 45 से यदि 50 मार्क्स के बीच में तो आप लोग सेफ माने जाएंगे, अगर ST में अगर आप लोग 40 से 45 मार्क्स में है तब भी आप लोग सेफ माने जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका कट ऑफ है। तो यह वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर